हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था, आपको नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स का 1 to 10 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया था जवाहर नवोदय विद्यालय। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कवर करवाएंगे, विद कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 digits नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 digits नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है? ग्रेटेस्ट। तो देखो 1 digit का जो ग्रेटेस्ट नंबर्स होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। और अगर 2 digit का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, सबसे बड़ा नंबर, 99 होता है। और 3 digit का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, 999 होता है। 4 digit का 9999 आ जाएगा। मतलब जितना डिजिट बढ़ता चला जाएगा ना, ये उतना ही बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो 5 digit का क्या होगा? 99999 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट 5 digits के नंबर्स। तो देखो 5 digit का जो अगर हम नंबर लिखते हैं, GRETEST, ग्रेटेस्ट 5 digits नंबर, तो क्या होगा? 99999, ठीक है। और कह रहा है ग्रेटेस्ट 4 digits का नंबर। तो देखो 4 digits का नंबर क्या होगा? 9999 आ जाएगा। और इसका क्या करना है? हमें सम करना है। तो अब आप क्या कर दो, इसको सम कर दो, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 digits नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐड करूं तो 9 दुनी कितनी हो जाएगी? 18। 9 दुनी 18, 1 19 कैरी है। 9 दुनी 18, 1 19, 9 दुनी 18, 1 19, 9 1 10, ये आ जाएगा आपका। यानी क्या आ गया? 109998 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ही ऑप्शन है 109999, तो ये आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? तो जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना बच्चों, आप वैसे ही करिए। पहले कह रहे हैं 5 digits के नंबर, तो उसको हमने लिख दिया। फिर कह रहे हैं 4 digits नंबर, लिख दिया। फिर उन दोनों को कह रहे हैं कि आप ऐड करके बताओ, है ना, सम बताइए। तो मैंने सम कर दिया, रिजल्ट आ गया, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, सॉरी 12 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। देखो यहाँ पे सम पूछा जा रहा था, अब पूछा जा रहा है डिफरेंस, यानी उसका घटाओ, अंतर, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 digits नंबर्स एंड ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर। तो देखो 4 digit का ग्रेटेस्ट नंबर्स और 3 digit का ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया जो 4 digits का जो नंबर्स है वो क्या होगा, 4 digits का 9999 आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट कह रहा है। और 3 digit का ग्रेटेस्ट नंबर ही कह रहा है, तो 999 आ जाएगा। और इसका क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो मैंने डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो 9000 और ये क्या हो जाएगा? 9, तो 9000 क्या होगा आपका? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन को समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है, और ऐसे सॉल्व करके आपको टिक लगाना है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस। फिर देखो डिफरेंस पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 digits नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर। अब देखो ग्रेटेस्ट 5 digits के नंबर्स कह रहे हैं और स्मॉलेस्ट 3 digits के नंबर्स कह रहे हैं। तो 5 digit का जो ग्रेटेस्ट नंबर्स होता है 99999 होता है, और 3 digit का जो स्मॉलेस्ट नंबर्स होता है वो क्या होता है? 100 होता है। आप इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कह रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 9, 9, ये हो जाएगा 8, 9, 9, यानी हमारा रिजल्ट क्या आया? 99,899 आ जाएगा। तो देखो ए में दे रखा है 99,899, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, ओके। चलो अब क्वेश्चंस नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 digits नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 5 digits नंबर। अच्छा देखो स्मॉलेस्ट 5 digits के नंबर्स है और ग्रेटेस्ट 4 digits के नंबर है, और इसका हमें क्या करना है? सम करना। तो सबसे पहले देखो हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट 5 digits के नंबर्स, तो 1 lakh होता है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख, 1s, 10s, 100s, 10,000s, 10 lakh। अच्छा एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, 10,000s हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 5 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 10,000s, ठीक है। अच्छा अब कह रहे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो ये आपका आ जाएगा 9,999, और इसको ऐड कर दो तो 19999 आ जाएगा, यानी 19,999 आ जाएगा। तो देखो डी में दे रखा है 19,999, राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन को आप समझा करें, है ना, कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, करना क्या है, कैसे करना है ना, उन बातों को आपको समझना है। और ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है, तो आप इनको 1 से 2 बार जरूर रीड करें, जिससे कि आप क्वेश्चंस के फील को समझ पाए, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, फिर आप उनके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं। What is the smallest numbers of 4 digits that can form by using the digits? अब देखो यहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो अभी तक जो हमने ये देखा कि जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर था, स्मॉलेस्ट नंबर था, तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम पूछा जा रहा था, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा जा रहा था, है ना। हो सकता है कि कभी आप इनका प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, डिवाइड भी पूछा जा सकता है, बट राइट नाउ अभी नहीं है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट चेंज है, कॉन्सेप्ट चेंज क्या है कि आपको कुछ डिजिट दे दिया जा रहा है, क्या कह रहा है, कुछ डिजिट दिया जा रहा है, और इस डिजिट से आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपको दिया है, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, जैसे मान लो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इससे हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स लगेगा, ये 2 कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिए। जैसे ये हमारे पास ऐसे आपको कोई डिजिट दे देगा, और इस डिजिट के हेल्प से आपको कहेगा कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, 4 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए या 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो देखो जब भी इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा ना बच्चों, ध्यान रखना GRETEST, ग्रेटेस्ट नंबर होगा बनाना होगा, तो इसे हमें डिसेंडिंग DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, अरेंज करना पड़ता है जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यानी ये जो नंबर है ना इसको आपको ग्रेटेस्ट फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। और जब आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको बनाना है तब आप इसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको असेंडिंग में अरेंज करना है। अब देखना 0 होगा तो वहां पे कहानी चेंज हो सकता है ना, तो वो चीज मैं बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये हो गया, और देखो ग्रेटेस्ट बनाना था डिसेंडिंग। अब आइए क्वेश्चंस पे, देखो क्वेश्चंस में ये वैल्यूज आपको दे रखा है 5309, क्या दे रखा है 5309। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनाना है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए हमने क्या बोला था असेंडिंग में सजाओ। तो देखो असेंडिंग में सजाने के लिए क्या करना बचेगा, पहले आप 0 लोगे तो 0 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया। लेकिन बच्चों अगर आप इसको नंबर बनाओगे ना तो 0 हमें यूज करना है ना। अगर आप 0 पहले रखोगे तो ये तो 3 डिजिट का बन जाएगा, 0 की वैल्यू बनेगी नहीं, तो इसका जो डिजिट बनेगा वो 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद 0 आएगा, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो 5 और 9 आ जाएगा। अब देखो हमने असेंडिंग में अरेंज कर दिया ना, तो 3059 आ जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर ये बनेगा 305, यानी 3059। तो इसमें देखो ऑप्शंस में है, देखो ये है, और कई बच्चे इसको डायरेक्ट टिक कर देंगे, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका सही है, कॉन्सेप्ट आप सही लगाओगे, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है कि 0 होता है ना, तो 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले कोई डिजिट लेना पड़ता है सबसे छोटा, जो आपके पास दिया है उसमें से सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही है, तो मैंने ये ले लिया, तो इससे ये नंबर बना है, तो ये आपका आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे 80% बच्चे यही को टिक करेगा, 20% जो स्मार्ट बॉय होते हैं वो करते हैं, जैसे आप हो, ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप ऐसे कर सकते हो, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन फॉर्म। देखो अब यहां पे देखो फिर वही डिजिट्स आ गया,
ये आपको कुछ डिजिट दे दिया है 3, 8, 0, 5 और 9। तो हमें यहाँ पे क्या करें, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स है जैसे 3 है, 8 है, 0 है, 5 और 9, ऐसे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे 9, 8, 5, 3, 0, बस, और यही आपका आंसर बन जाएगा 9, 8, 5, 3, 0, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 98,530, राइट, 98,530 कहाँ पे है, ये रहा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ फाइव डिजिट्स कैन फॉर्म्स यूजिंग द डिजिट, फिर देखो वही सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस है, 4, 3, 2 है, क्या करे, ग्रेटेस्ट बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, 4, 3, 9, 6 और 2 है, तो इसको डिसेंडिंग में अरेंज करो तो 9 आ जाएगा, 6, 4, 3, 2, ये आपका आंसर बन जाएगा 96,432, राइट, 96,432, राइट, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू। अब देखो बच्चों, वो प्लेस वैल्यू जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने हम लोग कंप्लीट करवाया था, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, उसके बेस पे क्वेश्चन आ गया, ऑफ 3 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, प्रोडक्ट करना है हमें, तो सबसे पहले जो डिजिट है वो डिजिट देख लेते हैं, 9, 3, 6, 5 और 2, हमें कह रहे हैं 3 का प्लेस वैल्यू और 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 का प्लेस वैल्यू 50 आ जाएगा क्योंकि 1s और 10s है, और 3 का क्या हो जाएगा, 3000s आ जाएगा। अब इसे प्रोडक्ट करना है, प्रो डी यू सी टी प्रोडक्ट, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 3000s, तो 5, 3, 15 और ये 40 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बना, 1,50,000 आ जाएगा, तो 1,50,000 सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्लेस वैल्यू में क्या दे रखा था, दो प्लेस वैल्यू दे दिया था और दोनों को प्रोडक्ट पूछा जा रहा था। तो इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहा है, तो आपको भी क्वेश्चन के साथ साथ स्मार्ट बनते चलना है ना, जैसे जैसे आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम देने जाओगे ना बच्चों, तो वहां पे आपका टाइम बहुत कम रहता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, है ना, स्पीड भी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ऐसे क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जो है जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो चलो आगे के क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। What is the sum of the place value of 4 in the numbers is that? अभी देखो हमें क्या कर रहा था, दो numbers दे रखा था, उसका place value का product पूछा था, अब हमसे क्या पूछ रहा है, sum पूछ रहा है। तो पहले जो digits है 3, 5, 4, 4, 3, 1, इसका हमें place value निकाल लेते हैं, तो 4 ones, 10s, 100 प्लेस पे है, तो 4 into 100 क्या हो जाएगा, 400 आ जाएगा, और ये क्या है, थाउजेंड्स पे है, तो 4 into 1000, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4000। अब इसका सम करेंगे तो 4000 और प्लस 400, ठीक है, 400, तो कितना आ जाएगा, 4400 आपका रिजल्ट आ जाएगा, 4400 आपका आंसर आएगा। अब इसमें देखो ऑप्शंस में है, यस ये रहा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लिए और फिर इन दोनों को कह रहे सम करो, तो सम भी कर दिए तो रिजल्ट आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे हमें एक नंबर्स दिया हुआ है, इसमें 6 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो चलिए पहले नंबर लिख लेते हैं, 6, 4, 3, 6, 2 है, तो इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 60 आ जाएगा 10 प्लेस पे है, तो और ये 1000 प्लेस पे है, तो 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका डिफरेंस निकालिए, क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए, तो 60,000 माइनस 60 कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 यानी 0 का 0 और 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, तो क्या होगा,
59,940, राइट, 59,940 ऑप्शंस में है, ऑप्शन में यस सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये जो आज के जो 10 क्वेश्चंस थे बच्चों वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इससे पहले के अगर आपने 10 क्वेश्चंस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार चेकआउट करें, आपको स्टेप वाइज वीडियोस मिल जाएगा। मैंने पार्ट वन कर दिया है और ये जो पार्ट टू है जो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन देखो, जिससे कि आपको क्वेश्चंस के एकदम स्टेप्स वाइज आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।